विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला के कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आए हुए श्रद्धालु एवं भंडारा करने के लिए आए हुए संत महात्माओं ने सोनपुर कालीघाट पर जल, शौचालय और सफाई एवं लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण विरोध प्रदर्शन किया। संत महात्माओं ने आरोप लगाया कि कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु माताएं एवं बहनें बाबा हरिहरनाथ मंदिर में जल अभिषेक करने के लिए आएंगे, घाट को बैरिकेडिंग करके छोटा कर दिया गया है, जितने भी संत महात्मा और श्रद्धालु आए हैं सरकारी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौचालय वाला पैसा मांग रहा है, वहीं पीने का पानी नहीं होने के कारण मजबूरी में लोग गंडक नदी का पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं, भंडारे एवं भोजन बनाने में काफ़ी परेशानी हो रही है, वहीं समुचित लाइट नहीं होने एवं जमीन की समतल और सफाई नहीं होने के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। क्या परेशानी है आपको? झाड़ू रूड़ नहीं लग रहा है, लैट्रिन नहीं है, झाड़ू नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, पानी का साफी व्यवस्था नहीं है, न पेशाब खाना है, न पैखाना है, न झाड़ू लगता है, सब वही है, कुछ नहीं है। क्या परेशानी है बाबा? परेशानी है कि हम लोगों को यहाँ पर रहने की जगह नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले घाट वहाँ तक होता था, परंतु घाट को छोटा कर दिया गया है, न जल की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, और मिट्टी भी ऊंच खाल है, समतल नहीं किया गया है, इसलिए संत महात्मा उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और लोग परेशान इस कदर हैं कि यहाँ पर धर्म स्थल पर आ करके लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ समाज सेवी और सेवक लाल बाबू जी हैं, लाल बाबू पटेल जी। मैं तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं स्थानीय समाज सेवी लाल बाबू पटेल, मैं पूरे मेला का भ्रमण करता हूं, और भ्रमण के बाद तमाम गतिविधियों पर नज़र रखते हुए आज जो संत महात्माओं का दुख दर्द को सुना, सच कहा गया है कि मैं घूम करके आया हूं, सही में इन लोगों का विचार जो अभी आया कि पानी नहीं है, और नारायणी नदी का पानी है, लेकिन वो नारायणी नदी के पानी से कितने लोग यहां बीमार अभी तक हो रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार तो ध्यान दे नहीं रही है। लेकिन आज साधु संत महात्माओं को जो कष्ट हो रहा है, पानी बिना जो ललायित हो रहे हैं, और कहीं उपरवार में भी पानी है तो जा करके लाना, इन लोग महाभंडारा करवाते हैं, प्रत्येक साल अनेक राज्य से, अनेक बिहार के कोने कोने से यहाँ इस विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र मेला में पहुँचते हैं, और तमाम दुखियों को दुख हरने के लिए लोग आते हैं। बाबा के है जहाँ साक्षात विष्णु भगवान विराजमान हुए हैं, इसलिए विराजमान हैं तो तमाम लोग केवल पदार्पण कर लेने से उनके सुख समृद्धि बढ़ जाती है, यही हरिहर क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध मेला है। तो मैं चाहूँगा कि नहीं, सरकार इस साधु संत महात्माओं का बात को स्मरण करे, और यथाशीघ्र यहाँ के स्थानीय सोनपुर मेला प्रशासन इस पर कार्रवाई करते हुए तमाम साधु संतों को सुविधा मुहैया करावे, और यहाँ पानी की व्यवस्था करे, और शौचालय की व्यवस्था करे। इन लोगों का, साधु संत महात्माओं का कहना है कि शौचालय में जाते हैं 10 रुपया लगता है, तो इन लोगों का ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये लोग तो हम ही लोगों के दान पर साधु संत महात्मा लोग चलते हैं, और महात्मा लोग जितना भी दान महात्मा लोगों को मिला है वो दान को यहाँ पूर्ण करने के लिए आकर के यहाँ तमाम भंडारा लोग चलाते हैं। इसलिए इससे सहमत हैं कि सरकार इनकी बातों को सुने और एकदम त्वरित करवाए। मैं स्थानीय से भी लाल बाबू पटेल, सोनपुर। प्रसिद्ध मेला लगा हुआ है बाबा हरिहरनाथ के दरबार में सोनपुर में, और सरकार शासन और प्रशासन इतना उदासीन है कि क्या कहा जाए, कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे हमारे महात्मा जी बोल रहे हैं, तो पहले महात्मा जी का हम परिचय लेंगे। महात्मा जी, अपना नाम और स्थान बताइए। डॉक्टर दामोदर दास मेरा नाम है, मैं सिंघारा में रहता हूँ। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यहाँ लैट्रिन का और पानी का है। पानी का क्या परेशानी है? पानी नीचे नहीं है कोई व्यवस्था। तो पीने के लिए आप लोग कैसे पानी ले रहे हैं? अब गंगा जी के पीते हैं, क्या किया जाए। अच्छा, गंडकी जी का पानी पीते हैं। और शौचालय में क्या परेशानी हो रही है? शौचालय जाता है साधु लोग तो पैसा मांगता है ऊपर में, और नीचे कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। तो जैसा कि देख रहे हैं,
सोनपुर मेला के नाम पर अरबों रुपए प्रत्येक वर्ष निकासी होती है, खर्च होता है, परंतु सुविधा यहाँ के जो संत महात्मा हैं, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, यहाँ के जो मेला घूमने आए हैं, कम से कम पूर्णिमा के दिन लाइट की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, उसको प्रशासन को अपने स्तर से करना चाहिए। महात्मा जी अपने बता रहे थे। महात्मा जी आप कहाँ से आए हुए हैं? सिंघारा से। कौन जिला पड़ता है? वैशाली जिला है। तो देखिए वैशाली जिला से आए हुए हैं महात्मा जी, और छपरा में आकर इनको सुविधा नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने हमसे कहा कि परेशानी हो रही है, तो सरकार की स्थिति भयावह है, दर्दनाक है, शर्मनाक है, ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ मेला लगा है, मेला इसलिए लगा है, मेला इसलिए लगा है पर यहाँ पे विराज है, और उनके जो भक्त आ रहे हैं, उनके जप आ रहे हैं, भगत आ रहे हैं, उनको सुविधा ही नहीं मिलेगा तो फिर मेला काहे का? मेला मान लीजिए 5 दिन पूर्णिमा से शुरू होता है, सुसु वाला मेला है, लोग मार्केट तो कहीं भी लगता है, दुर्गा पूजा भी होता है, होता है, सब जगह कहीं भी लग जाता है, परंतु ये हरिहरनाथ बाबा तो सब जगह नहीं जाएंगे, ये विश्व प्रसिद्ध है। तो आखिर सरकार क्या चाहती है, किस लिए इसे समाप्त करना चाहती है, ये सरकार को सोचना चाहिए। नीतीश कुमार है कल उद्घाटन करने के लिए, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी आए लोग, तो उन लोगों को सिर्फ आकर के मंच फीका देना ही नहीं, मेले के उद्घाटन है, एक बार भ्रमण करना चाहिए इधर क्या सुविधा, इधर एक बार आते, अभी लाइट की भी सुविधा नहीं है यहाँ पर, अंधेरा होगा, कल ही जल चढ़ेगा, अभी तक कोई व्यवस्था किया ही नहीं गया है, इतना स्थिति खौफनाक है, दर्दनाक है, शर्मनाक है कि जिसकी शब्दों में बयान करना काफ़ी मुश्किल होगी। और यहाँ देखिए लोगों के ध्यान देना चाहिए, आखिर सरकारी फंड, सरकारी खजाना इसके नाम पर आ जा रहा है, और पैसा जा कहाँ रहा है, उस पैसे से समुचित कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सब सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि लोगों को जब सुविधा नहीं मिलेगी, पहले इसी सोनपुर मेला में हाथी घोड़ा कितने पशु पक्षी आते थे, तरह तरह के, देख करके मन आनंदित हो जाता था, परंतु आज सरकार की उदासीन रवैया के कारण या प्रतिबंध के कारण आज मेला उतना भव्य और दिव्य नहीं हो रहा है, और उसके अलावा जो पूर्णिमा के पूजा करने आ रहे हैं उनको भी परेशानियां हो रही हैं, तो धीरे धीरे मेला अपनी समाप्ति की ओर जा रहा है। यहाँ लोग विदेशों से आते थे, इंग्लैंड से आते थे, अमेरिका से आते थे, रूस से आते थे, अभी आते हैं, कम मात्रा में आते हैं, तो सबको सरकार को एक धरोहर है, बाबा हरिहर काम पूरे विश्व में विख्यात है, सब लोग इनका नाम लेते हैं, इनका नाम ले लेकर के लोग अपना काम चलाते हैं, और इनके नाम पर सरकार भी जो पैसा दे रही है उस पैसा का क्या हो जा रहा है, इसका खोज खबर लेना चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। जय बाबा हरिहर।